brought to you by Gamesy. Win up to rupees 5 crores every day. Download the app now. IPL 2022 के ज्यादातर मुकाबले करीबी रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की कहानी थोड़ी अलग रही। टॉस जीतकर सनराइजर्स ने बोलिंग का फैसला किया। राजस्थान ने शानदार बैटिंग करते हुए 210 रन बना दिए। टीम को यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने अच्छी शुरुआत दी। मिडिल ऑर्डर में कप्तान संजू सैमसन और देवदत्त पाडिकल ने मिलकर खूब कुटाई की। शिमरॉन हेटमायर ने टीम को 200 के पार पहुंचाया। जवाब में सनराइजर्स की पारी कभी शुरू ही नहीं हो पाई। केन विलियमसन, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी और निकोलस पूरन आते ही निकल लिए। एडन मार्करम, रोमारियो शेफर्ड और वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत कोशिश की, पर स्कोर 149 से आगे नहीं बढ़ सका। इस मैच में सैमसन ने बहुत मैच्योरिटी से बैटिंग की। एक अच्छी शुरुआत को मेंटेन करते हुए पहले उन्होंने इनिंग्स को संभाला और फिर रन रेट को 10 के पार पहुंचाया। ये सैमसन की ही पारी थी जिसने हैदराबाद को चारों खाने चित कर दिया। 29 मार्च 2019 आईपीएल 2019 का 8वां मैच हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जा रहा था। पिछले मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने हारने के बाद राजस्थान रॉयल्स अपनी पहली जीत की तलाश में पिच पर उतरी थी। सनराइजर्स के प्लान्स कुछ अलग थे। राशिद खान की फिरकी ने 5 रन पर ही जॉस बटलर को वापस भेज दिया। फिर क्रीज पर आए संजू सैमसन ने कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर 119 रन की साझेदारी की। जल्दी क्रीज पर आ गए संजू सैमसन ने मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। सिर्फ 55 गेंद में 102 रन बनाकर नाबाद लौटे सैमसन ने 10 चौके और 4 छक्के जड़े थे, लेकिन उस रोज उनका शतक अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाया। सनराइजर्स हैदराबाद के डेविड वार्नर और जॉनी ब्रेस्टो ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए मैच अपने नाम कर लिया। फास्ट फॉरवर्ड आईपीएल 2022 का 5वां मैच सनराइजर्स के लिए संजू सैमसन की मोहब्बत एक बार फिर देखने को मिली। आईपीएल 2022 का 5वां मैच पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेला जा रहा था। यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने रॉयल्स को तगड़ी शुरुआत दी। दोनों ने पहले ही 6 ओवर में 58 रन जड़ दिए। इसके बाद पहला विकेट गिरा तो सैमसन पिच पर आए। फिर वही हुआ जो 2019 में हुआ था, चौके छक्कों की तो बारिश हो गई। 5 छक्के और 3 चौके मारकर कैप्टन ने 55 रन की आतिशबाजी खेली। ये भी जान लीजिए कि ये 55 रन सिर्फ 37 बॉल पर बने हैं। इस पारी में सैमसन का स्ट्राइक रेट 203 का था और इससे शिमरॉन हेटमायर को भी खुलकर खेलने का मौका मिला। हेटमायर ने खूब बैट बांझा और 32 रन जोड़ दिए और इस बार सैमसन की टीम हारी भी नहीं। उन्होंने बेहद रॉयल्स अंदाज में 2019 का बदला ले लिया। मैं हूँ सूर्यांशी और आप देखते रहिए द लल्लन टॉप।